पीपीगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर स्थित मंदिर परिसर में नशीले पदार्थ गांजा के कारोबार का विरोध करने पर मनबड़ों ने मंदिर के पुजारी की पिटाई कर दी, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से उनका चेहरा झुलस गया तथा आंख भी खराब हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पुजारी को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ मनबड़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पीपीगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में माता बायसी देवी का मंदिर है। मंदिर के आसपास और भवन पूर्वा में अवैध गांजा की बिक्री का कारोबार होता है। मंदिर के पुजारी अकटावा निवासी हीरामन ने पीपीगंज पुलिस से इसकी लिखित शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि पिछले 10 महीने से मंदिर के नए पुजारी राजा राम और बालकिशन अपने दो सहयोगियों बमबम दास जवाहिर और लौटू की मदद से मंदिर के आसपास अवैध गांजा की बिक्री कराते हैं, जिसकी जानकारी होने पर पुजारी हीरामन ने दोनों पुजारियों और उनके तीनों सहयोगियों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को धंधे में दखल बर्दाश्त नहीं हुआ। शनिवार को गांजे के धंधेबाजों ने 6 अगस्त की रात करीब 11 बजे अकेले सो रहे पुजारी हीरामन के साथ पहले मारपीट की और फिर उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे पुजारी की आंख और चेहरा झुलस गया। घायल पुजारी ने रविवार को पीपीगंज थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत की पुलिस ने घायल पुजारी के इलाज के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। इसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सूचना मिली कि पीपीगंज थाना क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी हीरामन दास का उसी मंदिर के तीन अन्य पुजारियों से किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद के दौरान पुजारी हीरामन दास की आंख में कोई पदार्थ डाल दिया गया। घायल पुजारी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जो कि अब ठीक है। आंख में हल्की सूजन है। पुजारी की तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, 7/8/2022 को थाना पीपीगंज पर यह सूचना आवेदक हीरामन दास, जो कि एक मंदिर के पुजारी हैं, उनके द्वारा दी गई कि उसी मंदिर के तीन अन्य पुजारियों राजा राम बम्बन दास व जवाहिर दास द्वारा किसी बात पर विवाद करने पर उनके आँख में कोई रासायनिक चीज डाल दी गई। उनको अस्पताल में दिखाया गया, अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। आँखों में हल्की सी स्वेलिंग है। इस आधार पर एक आवेदक की तहरीर पर अभी पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।